Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Baba ji Anjum Irfan, aap sab behan bhaiyon, beto aur betiyon ki khidmat mein hazir hain. Allah tbarak taala azza wa jal ke kalam aur naam mein be intaha taseer rakhi hai. ये सारी कायनात और कारखाना कुदरत इसी ज़ाते करीम की बरकतों से कायम दायम है. अल्लाह ताला हम सब को हर आफत से महफूज रखें. हम आज जो सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, आज हम जादू टूना यानी सहर के बारे में रहनुमाई करेंगे. अगर किसी को जादू का असर हो जाए तो सबसे पहले मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त अमल आपको बताता हूँ, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ. ये बहुत ही मुजरब है और बहुत बारहा दफ़ा का आजमूदा है और मुझे उम्मीद है कि ऐसे वो बच्चे या ऐसे वो लोग जिनको असर हो गया है जादू का, सहर का, तो ये अमल इस्तेमाल करें. अल्लाह ताला के फजल व करम से इंशाल्लाह बहुत जल्द शफा पाएंगे. इसका तरीक़ाकार ये है कि आप एक बेरी का दरख्त होता है ना, उसके पत्ते ले लें, बेरी के सात पत्ते ले लें. उन सात पत्तों पर तीन दफ़ा सूरा बकरा की आयत नंबर 102, आयत नंबर 102, 102 सूरा बकरा की आयत नंबर 102 तीन दफ़ा पढ़ेंगे एक पत्ते पे. तो ये पढ़ने के बाद ये तकरीबन सात पत्तों पे आपने टोटल कुल मिला के 21 मरतबा ये पढ़ाई होगी. और जब ये पढ़ाई मुकम्मल कर लें तो पत्तों को, तमाम पत्तों को अपने हाथ पानी ले लें, एक जग में ले लें या बॉटल में ले लें, तो तमाम पत्तों को तोड़ के अपने हाथों से तोड़ें और उस पानी में डाल दें. तो मिक्स करने के बाद जो भी इसका मरीज़ है उसको सात दिन तक पिलाएं. और पिलाने का तरीका इस तरह है कि मरीज़ को सुबह नाश्ते से पहले थोड़ा सा पानी लें, उसमें से जो भी पानी बोतल में है या जग में है, महफूज आपने किया है, तो थोड़ा सा पानी लेके नाश्ते से पहले तीन सिप करके पानी पिलाएं. उसके बाद जब वो सोने लगे रात को तो दूसरी खुराक उस वक़्त देनी है. तो इस तरह ये सात दिन का अमल है और अल्लाह ताला के फ़जल से मैं पूरे यकीन से आप सब से मुहातब हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएंगे. और ये बहुत ही मुजरब अमल है. जो पानी बच जाए, अगर हाँ अगर पानी कम हो जाए तो इसमें मिलाया भी जा सकता है, क्योंकि सात दिन आपने सुबह नाश्ते से पहले और शाम सोने से पहले पिलाना है मरीज़ को. अगर आप पानी कम हो जाए तो उसमें पानी की मिकदार यानी ज़्यादा कर सकते हैं, मिला सकते हैं. इसके अलावा यही पानी आप घर पे छिड़क भी सकते हैं. अगर आपको शक है कि हमारी दुकान पे कुछ हो गया है, हमारे बिज़नेस पे कुछ हो गया है, आपका ऑफिस है या दुकान है, तो इसका एक दूसरा तरीका ये है कि ये यही पानी आप किबला की तरफ मुंह करके अपने दुकान के अंदर चलें. फ़र्ज़ कर लें आपकी दुकान पे आपको शक है कि ये बहुत अच्छा मेरा बिज़नेस जा रहा था, तो अभी बहुत फ़र्क है, अभी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोई रुकावट आ रही है, तो बिज़नेस फ्लॉप होता जा रहा है या कमी आ गई है बिज़नेस में, तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप किबला शरीफ की तरफ दुकान के अंदर दाखिल होके किबला की तरफ मुंह करेंगे और राइट साइड पे जो कोना है उस कोने में पहला छींटा देंगे. पहला छींटा देने के बाद राइट साइड पे फिर आप अपने उसके बाएं तरफ जो दूसरा कोना है उसमें छींटा देंगे,
پھر مزید آپ بائیں اور پھر بھی بائیں، تو اس طرح یہ چاروں کونوں میں چھینٹیں دیں گے اور انشاءاللہ تعالی جادو کا اثر ہوگا تو وہ زائل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر گھر پہ چھڑکاؤ کرنا پڑے تو وہ بھی اسی طریقہ سے آپ کریں گے۔ اس طرح اللہ تعالی اپنا فضل فرماتے ہوئے اس کا اثر زائل کر دیں گے۔ بقایا اور ایک بڑا ہی محبوب اور مسنون عمل ہے، وہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ اجوا کھجور کے صبح نہار میں اجوا کھجور کے نا 7 دانے کھا لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص صبح نہار منہ اجوا کھجور کے 7 دانے کھاتا ہے، وہ اس دن اس شخص کو نہ تو اس پہ کوئی زہر کام کرتا ہے اور نہ ہی کوئی جادو کا اثر کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ احادیث بھی ہے، تو یہ بہت پیارا عمل ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس بارے میں یا سمجھ نہ آئے یا کوئی ہوتا ہے نا کوئی تھوڑا زیادہ کوئی مریض ہو، تو آپ میرے کمنٹس بھی دے سکتے ہیں اور میرے نمبر پہ فون بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی پوری رہنمائی کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔